खबर है वाराणसी से। रोहनिया पुलिस द्वारा पंडितपुर सराफा व्यवसायी की लूट की घटना का हुआ खुलासा, अभियुक्त प्रद्युम्न पटेल को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, 15 तारीख को पंडितपुर हाईवे से सटे प्रीति ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, जिसमें रोहनिया पुलिस के अथक प्रयास से रविवार को लगभग 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला रोहनिया थाना पंडितपुर गांव में प्रीति ज्वेलर्स के यहाँ का है। एक ग्राहक आया जो कन्हैयालाल सेठ से सोने का लॉकेट और सोने का कान का झाला देखा, फिर खरीदने से मना कर दिया। उसके बाद सराफा व्यवसायी सभी सोने के गहने को रखने लगा, तभी उस व्यक्ति द्वारा व्यवसायी की आंख में लाल मिर्च पाउडर फेंक कर सोने के 5 लॉकेट और सोने के कान के 5 झाले, एक अंगूठी जिसका वजन लगभग 20 ग्राम था लेकर भाग गया। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना रोहनिया को टीम गठित कर घटना का सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया था, जो प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, संकलित साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर 17 तारीख को लूट की घटना को अंजाम देने वाले प्रद्युम्न पटेल पुत्र तेज बहादुर पटेल करना डाड़ी थाना रोहनिया को जफराबाद रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। ये दिनांक 15/7/22 को, जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी दी गई थी, पंडितपुर में कन्हैया से उसकी दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा टप्पेबाजी की घटना की गई। टप्पेबाजी की घटना इस में उनके दुकान पर वो ग्राहक बन कर गया और उनके यहाँ से लगभग 20,000 तक का गहना लेकर के वो भाग गया। पुलिस की टीम लगाई गई थी इसके अनावरण के लिए। उस अनावरण के क्रम में सिर्फ एक लड़के की गिरफ्तारी की गई, जिससे कि पूरे माल की भी बरामदगी की गई और उसकी घटना में। क्या नाम है आरोपी का? प्रद्युम्न पटेल नाम है। कहाँ का रहने वाला है? करना गाड़ी कराने वाला है। क्या इसका पूर्व का कोई इतिहास हो गया है? इतिहास कुछ नहीं है और पता भी कर लिया है कि अभी तक कोई भी इसके इतिहास में कोई अपराध नहीं पाया। किस लिए घटना को अंजाम दिया है? ये घटना जैसा कि इससे पूछताछ हुई कि वो धन की कमी के चलते कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। क्या जो टीम गिरफ्तारी की है, जो वर्कआउट हुआ है, उस टीम को कुछ पुरस्कार भी है? निश्चित तौर पर उस टीम ने काफ़ी प्रयास किया। लगातार जिस दिन से घटना हुई है अब तक इन्होंने अथक प्रयास किया है और इसको पूरी तरह से 100% अनावरण किया है। तो इसके लिए जो विभागीय निर्माण अनुसार जितना पुरस्कार की घटना होती है वो पुरस्कार की घटना से प्रोत्साहित किया है।